सात तारीख है और हम दो हफ्ते की समर वेकेशन के बाद आज जावेद नामा के 48 तत्व से अपना दर्शन करते हैं। ये आखिर में ये कहा गया था कि बात गोयम अल सवासी में रुकुल, अब ये सवासी में रुकुल तक पहुंचे हैं। मैंने उस दिन बताया था कि ये बताए इसके जीवन कहे कि उनका संस्कृत उनके जो प्राचीन हैं यानी जलवा गाही जो हैं वो उन पर पहुंचता है। प्राचीन रुकुल में ये चार रसूलों के सामने लाया है और मैं समझता हूँ कि ये एक फिलोसफर की वजह से गर्व है होनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा इसमें मोमिन की वजह से गर्व है। ये जो लाया है इसमें गौतम को लाया है, वक्त को लाया है, नसू को लाया है और मजलतम का दर्शन को लाया है। नसू और मजलतम का जो सलम को मुतम तौर पर राम की रूप से रसूल हैं, लेकिन गौतम और वर्षक के मुतलक तो बार हाल हम उसके एतबार से उनको जो मानते हैं जो कुरान ने कहा कि दुनिया की आत्मा है, इस एतबार से हम मानते हैं कि ये भी रसूल होंगे। तो ये चीज जो है इसकी तो ये उनको भी उसी जमरे के अंदर ले आया है, ये उस बिना पर है और फिर वर्षक के गर्व है। कंडादर दीवारे अब समझे समर ये था चार तासी में नबूवत प्रार कर वो जो ये जो है ना वहाँ नबूवत भी कहा है और यहाँ बात गोरे मा सवासी में रुखन भी कहा है। तो गोया वो उन्हें नबी भी मानता है और रसूल भी मानता है। ये चार जो इसमें इकट्ठे किए हैं ये बड़ा एक अहम था सवाल है कि ये बुद्ध को और गर्भस्थ को नसी को और नवीन कर्तमन को ये जो लाया है तो इनके अंदर वो कौन सी कदर उत्तरक है जिसको ये उत्तर करने के लिए ये प्यार चुने हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और जो उन्होंने डिस्कशन में आती है बगाहर उनमें कोई बात ऐसी मुतम तौर पर नहीं आती। या तो है ना कि एक फैक्टर उसने लिया है और वो एक तो डिस्कस करता है इन चारों के अलग अलग जैसे आलात है यूज है ये करता है, हाँ वो एक दूसरे से मुतजार है या बहरहाल एक ही चीज है जिसको उन्होंने अपने अपने रंग में पेश किया है। तो कोई चीज उस किस्म की होनी चाहिए जिस बना के जो चार चुने हैं सवाल पैदा होता है कि विचार चुने हैं। तो जहां तक मैंने गौर किया है मसला दरअसल जो बुनियादी है वो है खैर और शर का। खैर और शर का मसला है जिसके लिए उसने ये चार अलग स्कूल या फॉक्स हैं वो उनके सामने आया है। ये इकबाल ने नहीं कहीं कहा ये, लेकिन वो मैं समझता हूं कि बात उसमें है ये गौतम बुद्ध ने ये कहा कि ये कायनात सर ही सर है उसमें खैर का वजूद है। उसने ये कही
उसका कोई वजूद ही नहीं। ये तीनों जो है कांग्रेस आरोप नहीं है आपके पास। बड़ी अहम बात ये आ रही है, इसमें से कोई आपको कारोबे नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ पे ये सारे हिसाब का जो मसला और वो ये है कि यहूदियों के यहाँ जहाँ तक उनका मतलब तौरात या उनकी किताबों का ताल्लुक है उसमें सुबादी और लाइफ कोई नहीं है, क्योंकि अकायद है। और उसके बाद ये सारी चीज जो है वो सुनित है उनके यहाँ, उनके यहाँ कमांडेंट है। उनके यहाँ की बात किताब है तेरा तीसरे चौथे मुकदमे से है तीसरा मुद्दा तो वो भी और फिर बाकी सारी चीज उनके यहाँ की जो कानून है बचना है आदमी है, लेकिन जो सब की सब अवकाम से मुकदमा यानी के यहाँ जो मकान में तक वक्त है या अतिथ है जिन मकान की उसमें से उनके कम जो कठिन दिया है उन्होंने कहा यहूदियों के यहाँ जिसको हम अब उनके यहाँ की खुदाजी कहते हैं ना वो बड़ी बार की चीज है, लेकिन पहले अपना कोई क्या ले लिया है खुला जो है उसमें खुदों जो दी है फिलासफी उसी को इसमें फिलासफी कहते हैं, उसको भी यहूदी फिलासफी कहते नहीं है। लेकिन जहां भी अब आपके यहाँ कहीं एक फिलासफी का लफ्ज आएगा बाद में उसकी ओरिजिन होगी उसी सुबह से जो हमें पूछा कि वो पहली सदी के अंदर हुआ है में सिकंदर में की जो लाइब्रेरी थी जो हुई थी उसके अंदर में हुआ है ना भी वो जीएस फिलोसफी वो स्टार्ट पर नहीं उससे पहले तो जीव के यहाँ फिलोसफी है ही नहीं तो उनके यहाँ सुनने से आसान है। ये तो अभी फर्क है यानी हमारे में वीर तो उन्होंने ली है, लेकिन मुद्दा चुनाव में भी कोई अपनी असूलियत दी होगी कुछ आपके साथ उसमें जरूर दी होगी रिश्वत वहाँ आई है कि लेकिन जो ईश्वर को दुष्ट कर रही है उनके यहाँ कोई फिलोसफी उनके यहाँ रिश्वत है ही नहीं, उनके लिए सिर्फ किताब की किताब है। इसलिए अगर हम किसी मेरा टूरिस्ट पॉइंट को इसको दिन को डिस्कस करें और इसमें हम चाहें जो हम मॉडल की या दिन की फिलोसफी एक आम एजुकेशन जो मॉडल पेश करें तो वो मुझे भी नहीं होता। ये जो चीजें उसमें देख ली है कि है ये ठीक है तो हम यकीन तो नहीं कह सकते कि गौतम की पूजन गौतम की पूजन सरकार ही होगी मतलब भी बारी की पैदा की हुई है, लेकिन गौतम और वर्चस्व को तैरो इन चीजों को अपने यहाँ मुसलमान मानते हैं अपने यहाँ की तालीम का उसने वो ले लिया है उसने वो चीज है इसलिए वो इन चारों को लाया। और इसमें मैंने किया है कि ये मेरे को ये मसला जो है ये खैर सर का मसला है उसके अंदर जो इसने डिस्कस किया है पहले स्कूल खाद इसके नजदीक बुद्ध का है बुद्ध के नजदीक वजूद सर का है और का वजूद है ही नहीं। उस सर को मिटाने के लिए उसके यहाँ तरीक ये है यानी एक तो यहाँ का कल्पना ये है कि ये सारी कायनात जो है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कल्पना जो भी हमारे यहाँ के अंदर भी आई है ये तो एग्जिस्ट नहीं करते मैन एग्जिस्ट कहा जाता था फिर बाद में
इसको कहते हैं कि नॉन एग्जिस्ट कायनात दिया नॉन एग्जिस्टेंट है तो मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ जैसे नॉन एग्जिस्ट करता हूँ नॉन एग्जिस्ट कायनात में भी है इंसान है वजूद जो है जो कर है किसी चीज का एग्जिस्ट करना जो कर है यह है मुझे फिलोसफी किसी बिना पे उसने गॉड का इंतजार किया तो गॉड को अगर हम एग्जिस्टेंस मानने तो वो मन मानने पड़ेगा तो बजाय इसके कि एक इंजन गॉड को मानने उससे तो दूर तक जो है ना कि उसको मानी है कि
आश्रय ही कोशिश सही से हाल और सही मुरादमा इनका हर चीज जो है वो है मुरादमा। सवाल ये हुआ कि तुम फिर तुम फिर तो कहते इसके साथ तो वो अगर सब कुछ गलत है तो कुछ सही किया है। उसने कहा कि हर वो चीज जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस को नॉन एग्जिस्टेंस करने में मदद दे वो सही है, क्योंकि सर तो है एग्जिस्टेंस जो चीज तुम्हारे तुम्हें एग्जिस्टेंस की तरफ लाने वाली है वो तो हो गया विचार। जो नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ लाएगी वो हो जाएगी सही जनेश सारा कुछ करे सारी दुनिया के आगे ये सारा तुम जो कुछ भी है सारी जिंदगी सुरी सीधा सी इरादा सी कौल सी अमल बूद मान ये सोच ख्याल मुराकबा काहे के लिए सब कुछ करे ताकि मैं ना रहूं। कहा अगर ये कुछ ना करे तो मुझे वो दूर उसके बाद बना लिया करेंगे नहीं मानने से नॉन एग्जिस्टेंट में कि फिर आ जाता कितनी सूरत में फंसाई है। यानी मरने से छुटकारा नहीं होता वालिद के पास हमने चाहा था कि हम दो वफा से चूके वो सितंबर में ये मरने से भी राजी ना हुए तो वो मरने से भी नहीं दूर का सिलसिला वो कहता है फिर आते जाओगे जितनी जगह जीते हैं मर गए तुम अगर तुम नॉन एग्जिस्टेंस की तरफ नहीं जाते हो तो फिर आओगे और जितना होगा वो दूसरी जगह जो आओगे तो उतना कम नॉन एग्जिस्टेंस होगा। पहले तुम सौ फीस तक था तो फिर नगे फीस तक हो जाएगा फिर रोटी रह जाएगा फिर कैसी रह जाएगा तो ये उस तरह से करोड़ दर करोड़ जन्म है ये उनके यहाँ के जिनमें कहीं आखिर में जाके तो फिर वो आखिरी मुकाम जो उनके यहाँ है सफा जात का वो हासिल करता है। इधर है ना मेरा रास्ता ये है आखिरी मंजिल उनके यहाँ इसमें करके ख्याल होता है यानी बाकी चीजें तो इससे पहले करके जाती है तो इसके बाद करके ख्याल और करके इरादा जिसे कहते हैं वो होता है यहाँ पर आप देखिए सारा जो कहीं करके दुनिया करके उत्पाद करके जन्नत का जो क्या और करके करके आखिर में करके करके ये है इसके यहाँ की आखिरी मंजिल मुरादमी में तो जहाँ ये भी ना ख्याल आए कि मैंने किस तर्क करना है ख्याल में डाइवर की तो तस्वीर जो है उसके अंदर कुछ तो कंप्लीट डार्कनेस कर उनके यहाँ का मुंतहा जो है कंप्लीट डार्कनेस क्योंकि है वो भी चीज को ख्याल न आए किसी चीज का आपके तस्वीर में भी आसन में जाकर करके कर पाता है ख्याल भी ना आए कर करने ये है सारे बुद्धि कलेक्ट किया आई वायत में आई है काम किया तो सबूत में आई है ये सारी बुद्धि कलेक्ट की है बुद्ध जिन तरह से खड़ा हुआ और प्लेटो ने जो आप जिसकी तरफ हम महसूस कर रहे हैं ये इससे पहले का है जैसा कि हिस्ट्री बता रही है ये अगर छोटे साल लेवल पर ठीक है कामल कम ये है ना वरना वो तो कहते हैं करोड़ों साल कम होता है लेकिन अगर ये छोटे साल लेवल पर ठीक कर रही है तो बाहर हाल प्लेटो से कब होगा इसलिए ये चीज जो है प्लेटो को तीन सौ पच्चीस पर ठीक है इसलिए ये हो सकता है कि ये जो ख्याल है कि ये युक्त नहीं करती ये ख्याल जो है ये प्लेटो के यहाँ भी गुरु फिलोसफी के है अगर भी हम खुद नहीं ये क्या करते तो ये फिलोसफी बुद्ध के साथ कम जो फिलोसफी की है ये उनको भी पता नहीं है अनुभव गुड़ है बुद्ध फिलोसफी और इसमें पहली चीज जो है ये गौतम की जुबान से देखा बात ये करता है तौबा आमूर्जन
यने रक्षाचार्य किया प्रयोग। ये जो यने रक्षाचार्य का प्रयोग है ये दुनिया दुनिया उसकी सारी सहायता जिसकी सारी ये है जिसके ये इसमें यने रखा उनके यहाँ जो है मौजूद बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में बल्कि उनके यहाँ की स्टोरी में माइथोलॉजी भी नहीं है। वो तो कहते थे कि सचमुच ये आई थी वो एक रखाचा वो आके उसने गौतम के पांव पे पैदा की थी। देखा ये सारी चीज जो है जो अगर मौजूद की है मरियम मैकडोनल जो है वो रखाचा है और वो आके मसीह के पांव पे तौबा करती है। ये सारी चीजें कॉमन नजर आती है आपने जुड़ी हुई कलेक्टिव वो चली आती है और ये गले का खाता भी आती है तो इनके हम भी है गले का खाता है। लेकिन इस बार में तो गले का खाता जो है इसमें दुनिया दुनिया की इसकी बिक्री जाती है तो कभी तो है उनको इसमें विकित करना था उनसे कहा है कि खाता बेहतरीन इसके यहाँ की विकित होती है तो बच्चे से ये कसिकें जो है सारी गुनाह की है। यानी हर कसिक जो है जहाँ शरीर मान जाए तो वो है ना और खासा था मुझे जिन्होंने दिया लेकिन ये दुनिया को इनके यहाँ की खाई माइथोलॉजी है या इसमें बयान करते हैं जो इस पर विकित करना ही है ना दुनिया की इन कशिशों को एक रखाचा के पैकर के अंदर आप देखिए दोनों चीजें भी आ जाती है कशिश भी अपनी इनके हाथ अपन की नहीं होती है उसमें और वो कशिश सर पर तो खिलाफत होती है ये है इनके यहाँ दूर। लिहाजा एक रखाचा की तमसील से उन्होंने दुनिया के मुतालिक जो अपना फलसफा है वो बुद्धिस्ट ने पूरा बयान कर दिया है। इस बाल में इसीलिए उनकी सारी उनकी तालीम में से जो स्टोरी चुनी है अपने लिए वो गले रखाचा की इसमें बड़ी उम्र से वो बात विकित हो जाती है। गौतम लाभ करता है यहाँ आके मेरे लिए फिर दुखियारी हो जाती ये रगल जो है ये अगर क्या भेद नामे में आती ना तभी दफा तो इस कॉन्टेक्ट में जो सही था कि गौतम लाल करता ये रगल तो मेरे अधीन की ये रगल रगल तो मेरे अधीन की है ये अगले भी कारण की है मेरे अधीन की है। अब जो मेरे अधीन में जब इस नाम में उसे दिया था तो उसने तो गौतम की दुकान में नहीं किया उसने भी इस बात को देखा है। अब जहाँ गौतम की दुकान थी उसी चीज को जहाँ ले आया है जो बातें है अगर वो बातें नहीं है तो जो कुछ बुद्ध की तालीम है वो सारी उस बात देता है अपने जो रहता है वो तो सबो बात चाहिए बाल में तो मुकलम नहीं आ गए हैं मैंने एक चीज़ बना कि जो सारी चीजें स्क्रीन करने के बाद भी मेरे लिए मुश्किल आ जाएगा चीजें उसमें काम पर मेरे लिए भी मुश्किल आ गया। मैंने मसला बड़ा आसान था वो गौतम की तालीम वो उसके बाद उस रखाचा की गुलाम वो गौतम की तालीम भी मेरे वजन से रखाचा ने जो कुछ कहा वो तो वहां तो ना गौतम था ना रखाचा था वहां तो नाचने वाला भी था ना सुनाने वाला भी है। ये है जो खुशियारी आती हम तो क्योंकि यूँ ले रहे हैं इस चीज को ये सारे पॉइंट के सामने हम करेंगे। अब गौतम उसका फलसफा आता है फलसफा जो है कुछ नहीं कोई चीज नहीं लेकिन खुद है एक दूसरे में एक बाल तू है तुझे जो कुछ नजर आता है नहीं ये अनेक बाल तो फर्क हो जाता है इस बुद्ध फिलोसफी में और इस बाल की फिलोसफी बल्कि अभी मैं भी दूरी अपने के टाइम से और तेज करूंगा जब मैं आगे आऊंगा जहां ये उसने कहा है कि तू है लफ्जन लफ्जन को भी फिलोसफी है तो पहला हिस्सा तो ये है जिसमें गौतम जी कहता है ये कुछ नहीं मैं देरी ना वो माचुर के जवान जितनी कशिशें हैं जितनी जागरूकतें हैं चीजें नहीं तो साहिब नजर आ
ये जना की जन्म यहाँ तो हम कह सकते थे ना कि इसमें जो खबीस मगर है राजनीतों के उनसे इनकार किया, इसके नजदीक तो सुधारी का जन्म होता, हर देश में वो गुप्त करती है क्या है, इसलिए अगर वो रोजगारी है तो अगर वो गुप्त करती है तो वो सर है, इसलिए वो कहता है कि वो गुप्त नहीं करती, न यहाँ की जो मैं रूंदा और मासूम को जमा और न पूरे दिन हर के अब पाइंडर से माफी डर उतरेगा खुदा डर उतरेगा
ये कल्पना है सर। ये जो मैंने कहा था ना कि इस बाल का अपना कल्पना, इस बाल का अपना कल्पना तीन जहां की गुरु वजन है देख लीजिए। हाँ तीन जहां की तनम खाना है किंदारे मन अंदाजा लगाइए इंदार अभी क्यों कर रहे हैं ये मेरी कितनी तकलीफ है और है इसकी हसीियत कलम खाने की कलम खाना है पंडार मन मन जो है वो तो है जल रहे गिरे हुए दूदाए देदारे मन हस्ती और मोस्ती और दूधन में मा दूधन मन कारे मन क्यों है तुझे जो कुछ नजर आता है नहीं है और जो है फिर कैसे तेरे सोचने से है फिर वो जो है वो कैसे खत्म हो सोची मैं उसके निकल ये हो गया ना कल सुबाई मगर दुनिया में मगर दिन सारा मतलब ये टुकड़ा टुकड़ा बना तो तू है ये जो कुछ बाहर है ये तेरी सोच का नतीजा है इसको मिटाने का तरीका ये है कि इसको मतलब कोई ना तो ये खुद खत्म होगी बात आदमी जो कुछ करता है तो कोई ना ना सौ ना खाब आए ना ये गुस्त करे तो चाहता है उनका बाकी रह गया तू जी अपने मुताबिक आप इन मुताब जब ये मुक जाएगा तो सब ये किया ना साधन यहाँ के अपने आप के मुताब उनको कबला अंत नहीं थी तो बचना अंदर था आप हो गया और जिंदगी अंदर को हाल हो गया तो बैठा डबू में जा तू और नहीं आता तो सब साधा तो इतनी मंदा है ना अगर तो रखती है वो जिनको तो जहाँ चीजें डर तरीके के बनो के निगा का भी दम मन यदि मुश्किल इतना है बड़ा रास्ता जो जो है ना सन मार्ग का तो देखा कि क्यों मुश्किल में रंग सकते हैं उसके अंदर ही एक मुरादा उनका है गुल की वो देखिए जो मुजस्मा बनाया है उन्होंने हड्डियों बनाए उन्होंने कम वक्त बिल्कुल तो वो कहते हैं कि वो प्रमुख के जो मैंने बलो के निजा करीबन जिसको मैंने छोड़ा है अपनी लो के निजा से इतना मुश्किल सारा कुछ तो उसके बाद तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो दिखाई दी थी कहते उसमें मंजिलों काफिलों रेगे रवा चीजें में सारा व्यापक बलो के निजा का आजीवन मन ये इसका इशान है जो चीजें जो है एक ही जगह इसमें चलाती है कि कुरान की अहमत उसके भी सामने चलाती है ये चीजें सामने आए तो फिर पता चलता है कुरान कहा है आगे दिन बिगड़ेगा गैर के महमो गमा चीजे लेकिन अब आगे ना दूसरा क्यों है दर जहां बूदे में रस्तम जो जहां चीजे हस्त अब हस्त भी चाह जाती है वो नहीं है ये है दुनिया में होना और दुनिया से छुटकारा हासिल करना ये है चीज बाकी ये भी कहते हैं वर्ल्ड वियर आफ्टर या वैद की है हाल में शायद नामक रूप ये कोई शायद नहीं है बस बात आई है तो दुनिया में होना तुम्हारा ये है और फिर इस दुनिया से रिश्तेदारी हासिल कर लेना ये एक चीज है ये है एक मकसद आंध हिस्से के सुधाए बस वक्त हम आए ये तो सुधार का चीज तो मानता ही नहीं था इसलिए वो समान ये है तुम्हारे तो सजूर के मुताबिक किसी मकसद के लिए खुदा को मान रहे हो ना तो उसको मानने से दूसरी मिल जाएगी
مذہب کا منتہائی مقصود یہ ہے نا, اور اس کے لیے بھی ایسا مانتا ہے نا یہ, اگر وہ اس کو اپنی ملنے کی اپیل نہ رہے تو خدا کا ماننا ضروری نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب چیز ہے لیکن مذہب کی اس کی بلون جو ہے یہ دلائل اس کے ہیں بہت بری اس کے یہاں کے بہت بڑے تھے کہ ٹھیک ہے یہ سارا لالچ جو تمہیں پڑا ہوا ہے سرگ کا اور برشت کا یہ اسی ہے اور اسی لیے تمہیں خدا کا وجود مانتے ہو, تو وہ اگر اس کی بخشش سے بیٹھ ملتا ہے یہ کیا تھی تاج بجائے عمل خود جنا چیزیں ہے عمل وہ اشنگ مار, تو وہ جو گنا ہے جو چیزیں ہر خود وہ تو ہے تمہارا اپنا, پھر وہ ہستتا ہے جو لیے ہوئی, یعنی بطور آئیڈیل کے مطلب یہ ہے اس کا کہ آئیڈیل بھی تم نے اگر رکھنا ہو تو یہ آئیڈیل نہ رکھو تو وہ بہت اس کے لیے تم نے خدا کا وجود کراتا وہ ملے گا, امن اس کے لیے تم نے وجود ملے گا وہ ہے نا گناہ, جو قابل ذکر کیا ہے حاصل کرنے کے قابل کیا ہے اور وہ جو ہے وہ گناہ ہے. اس کے لیے جیت جو منتہا ہے انسان کی شانتی اطمینان جسے ہم کہتے ہیں امن سکون وہ ہے نا, تو کہتا ہے اس میں یہی تم جانے مانگتے ہیں نا کہ یہ تم ملے گا, یہ اس طرح سے ملتا ہے اور ملتا ہے سنگ مارک کے اپنے امر سے ملتا ہے, ان کے امن کو تو بڑا زور ہے نا, راحت ہے جہاں پہلے بھی راحت ہے جہاں پہ ہر ہم میں انسان ہوں اندر, بلکہ وہ تو جیو آتما جہاں بھی ہے اس کے اندر بھی ان کو ایک چیز جو زندہ ہے اس کو نہ ستانا, یہ ایسا اس کی اب یہ ایسے کاغذ چیزیں ہیں کہ اس میں مخمور و نگاہ غلط انداز و کروں ہم اخوب ہے اس کے بھلے فکر آزاد چیزیں ہیں. نظر آتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن جو میں کہتا ہوں یہ ہے اس سے کوئی اچھی چیز ہے, اس میں رفتار ہو اس میں رفتار دم ہے نجائے غلط انداز ہے تیاری کی بنا پسند ہے جتنے مخمور کی نگہ ہے غلط انداز جو ہے بھی ہے تو بڑی بھی ہوتی ہے نگہ ہے غلط انداز بھی ہوتی ہے کہ وضاحت دیکھ رہا ہو تم اور نگاہ ہو تم نہ ہو, یہ مخمور کی نگہ ہے غلط انداز جو ہے بھی ہے تو بڑا وہ کاٹا ہے اگلا پروش کا آتا نا اس میں تم یسو کی تو انتہا ہوتی ہے نگہ ہے غلط انداز جس میں مخمور اور اس میں نگہ ہے غلط انداز اس میں وہ سار دما ہنستے نہیں دیگر نہیں وہ جو ہے ایکدم اب ہے اب نہیں ہے ہر آنے کی پنا ہے حسن سے بارو خیالات خوشاں یہ حق اب وہ اس کی آخری منزل جو نہیں ہے ابھی تو بار میں اشٹنگ میں سے گزر رہا ہے نا, وہ اشٹنگ کے اندر یہ چیز جو ہے حسن کردار حسن خیال یہ تھا نا صحیح کردار صحیح خیال, تو یہ اس کے ایسک ہیں یاد رکھیے گا, اس کا منتہا یہ نہیں ہے جن کو جو پورے حق کا کہنا یہ بھی کہتا ہے کہ اس راستے میں بھی چلنے کے لیے یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو تمہیں کرنی چاہیے, لیکن منتہا یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کرنے لیے جس کو پھر کریں گی تو ان کی ویلو ہوگی, ان پر اٹرنل جو چیز ہے وہ تو ہے وہ ریگولیشن اس کی اچیومنٹ کے لیے جو چیزیں راستے میں ہیں اس لیے ان چیزوں کو مانتے چلے جاؤ اشنگ یہ آ گئی ہے یہ بھی اس نے واضح کیا رقاص کا, اور اس واضح کے سامنے خیر کم تک
दो ढाई हजार साल से तो दुनिया के बड़े बड़े समझदार कोई नहीं कर सकता इस बात को। सारी दुनिया इसके अंदर फ्लैटों की फिक्र इसके अंदर, मछली का तस्वर या इंसाइयत का तस्वर इसके अंदर, यूनियों का न्यू फ्लैट आने फ्लैटी इसके अंदर, मुसलमानों की सारा तबियत इसके अंदर, ये सारा जो कुछ है ये गौतम के उस बात का सवाल किया है तो उसके अंदर आपको जवाब नहीं आता, ये दलाल देते हैं ये गौतम मतलब ये है कि ये फिलॉसफी जो है जब इस फिलॉसफी को पेश किया जाए तो ये बड़ी से बड़े दुनिया के अंदर दूसरी तरफ का काफा ले आया तो वो एक कहता है कभी है हकीकत में मुंतजर नजर आ दो बात मजाज में
ये है ना गौके हजोरी जो है उसने रश्मि खनन कभी गई दुनिया के अंदर पैदा कर दी थी। इसलिए अगर उसके उसके देश तो मैं अगर ये पैसों की इन तमाम बर्फों को जब याद था तो इंसान का जो अपना गौके हजोरी है ये उसकी वजह से उसने मुझे तराज रखा था। ये चीज थी असल में इश्क करो नहीं बेहद जाने उम्मीदवार का उसको ना उम्मीद नहीं होने देता। यहाँ तो वो जो है हजूर वो तो सामने आ नहीं था अब यहाँ कैसे सेटिस्फाई करे इश्क प्रेम नहीं देता जाने उम्मीदवार लेकिन ये जो इसमें ये प्रेम देता है जाने उम्मीदवार को ठीक है इसका पॉइंट ऑफ व्यू है खासा का यही होना चाहिए देखते हैं प्रेम जो है क्या कह रही है और अब उस प्रेम को जमीन की गुलामत जो है उसके बाद देखते हैं आप तो आर्गूमेंट क्यों ला रही है उसकी सेटिस्फेक्शन तो नहीं ये चीज की तरफ गुलामत की चीज लगती है ये प्रेम की चीज प्रेम लेकिन मैं क्या है ना कि ये प्रेम के हाल के तौर पर हमें वो ज्यादा बर्जस्ता और ज्यादा वो गैरो हरम आई तकरार तमन्ना द्वार हमारे सारे रहते हैं गैरो हरम आई तकरार तमन्ना और क्या मित्रा रमी साहब वहां मांग दिए शौक तराशे हैं तमह अल्लाह काम तक नहीं कौन सा अभी हमारे यहाँ तक हमारे तक कौन सा आईना तकरार संबंध तो वाह मानवी ये शौक तराशे है महाराज इसमें लिखा है रश्मि सनम गरी मुहार इस गरीब में जो है जाने वाला वो प्रेम नहीं कहता है ज्यादा से ज्यादा वाह मानवी ये शौक कहता है ठीक है रास्ते में थक सकता है वो तो फटने से पना ढूंढता है कहीं धर्म है कहीं डर है जीवन पढ़ा है उसके ढूंढने थोड़ा तो वक्त तक पाने के लिए वर्णों में शौक जो है उसके अंदर आगे चलने की वो तमन्ना मौजूद है और जो जितने वजू कर जाता है वो तकरारे तमन्ना है वो आगे चला गया है काम न फरार खातरे नगमा है ताजा है जन्म देखो रे काका काफी जान दे गवर्नमेंट भी कर देते हैं काम परागे खातिर नरमाए ताजा जन्म बाग ब मर्दार दे कायरे मर्दार का ये नहीं जी खाली कुछ इतना सब ये खाली होना होता है बाहर जमाने लेकिन परेशानियों के ख्याल के तकलीफ से खाली होने के तहत जमरा जिनके सर्दी भी टाइम तो बरसों में आई तक खाली वह नहीं बता रही थे कि बातचीत यह खराब पुराने क्रीम में वो संगत लिखा था कि वो कल जो उम्र लिखा है खराब है तो है ना खाली हो गया कबर को ये चीज आती है और किसी से वो उसके खराब है काम अफराज खातर नगमा ताजा हो गया हम बाल दे मर बाजार दे कायरे मर एक ही जाना चाहूंगे बस मेरे फोन में चलना ना होती है और अपनी रस्ते से उधर ये चलती बड़ी चीज है भी उसके अंदर मैं कहता हूँ जब मैंने इसके ऊपर इंजन अवार्ड किया पीछे नहीं ये क्या इंतखाब है इस शख्स का सामने आके क्या तीन फैन की जाती है रताशा काम लगानी है रताशा भी लाइन रहा पैदल भी आई आगे आई बात सारी बदे आई नचली को ही आई तब गुलाम बाद आई बंद जो सारे बंद भी पाओ से फिर छूट रहे जब तब गुलाम कहा कि अब ये भी कारण कहीं तक मैंने अटल जी अभी तक बुद्धि बनी हुई है तब गुलाम दादा ही
mind is excitement का ताप बपलाव के दोनों समाज के शहर जा रहे हैं उस बुद्धि के अंदर जिन्हें विरामली की जीत है समाज के शहर जा रहा है आज उस समाज में क्या था पाव बंदे सबे बुलंद दिए है आज के लिए ये जितनी इस किस्म की समस्या आई थी मैं भारत का साहब से अगर पसंद गर्द नीचे मता में देखिए मैं हर एक कर लेगा इस बात में प्रभाव अमर को उतार रहा और फिर जब जिस चाहे जमा पाता नॉर्थ की इधर आए फिर जिस तरह से उधर वो है ना इस बात वो सब डर सकते गलियों की तो उसमें देखो कितनी तेजी है वहां भी वो चिंता रही है तो ये अब इसके बाद हर हालियत वाली बात जो है पेशा और खानवर उसको कहा चाहिए उस बदो की सचा जी अमर को होता ये आया जी काशी में जो कितना पूर्ण कर अब देखा ना इस कंटेक्ट के अंदर जो उसकी रंगे जो है ये क्या बन गई ये तक का इंतकाम अपने ही कलाम से वो लाया है लेकिन किस अंदाज से लाया है ये चीज वक्त क्या हुआ जो मैं ज्यादा हूँ जा रहा हूँ कल लगे तो मत पता दिया वो कौन था
बता चले गए तो नहीं सर तो मेरी भी दिक्कत है तो वो मुझे हड्डी अच्छा भी कर वो भाग के चल लगा कि वो बादशाह ने जहाज का ऐलान किया बादशाह ने जहाज का ऐलान किया तो उसने कहा यह है कि निश्चितन के निश्चितन के खुदाई लोग हैं ना इनको हज करने को उसने कहा कि तुम्हें तकलीफ ये प्रेम का जो खिलाफ थी तुझे तो यही से वो बोल सकता था ना कि उस पर भी अधिकार हुआ प्रेम की जो मुख्य तरीके हैं कितना खूबसूरत अंदाज से समझा कि नगर बजा हर एक चीज जो इतने बड़े सवाल का काम इतनी बड़ी मेथी नजर आती है वो भी देश की कमजोरी चीज है और उसके अंदर ये चीज जो है ये करता है इस बार में ये चीज जो है तसव्वुर की इब्तिदा में हम लोगों को पढ़ाई जाती थी उसके जन्म नहीं ये हम ये बयान करते थे इसके अंदर में वही चीज लेके आए जो ये आर्मन आर्मन आता है वो योद्धा को जो वाग करता है वो वाग आती है कि जो बड़ी ही व्यक्ति की तरफ ले जाना है चला रहा है कहते जो ताकि ये किसी अच्छी तरफ न चलेगा ये है कि अल्लाह अलिया जो ने दिया है हारमोन यस्ता का कटाव बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है और जो सस्ती जो तालीम इसने पेश की है जो उनकी तरफ मंजूर करके बड़ी सस्ती पेश की है अब इसके लिए वो शुरू की तरह आगे ही चलते तो मैं जरा जो वर्तस्तम के लिए कुछ बता दूँ थोड़ा सा वक्त जो है वर्तस्त जो था वो पैदा तो हुआ ईरान में लेकिन वहां ये अस्पताल उसका नाम था अपनी नाम बुद्ध की तरह शादीवादी ने उसने की थी लेकिन उसके तरफ शादी करने के बाद इसलिए ने उसने करके दुनिया कर दिया था और फिर वो जंगलों में चला गया मैं समझता हूँ दोनों के हाँ ये आइडिया एक ही है एक ही कोई है शक्ति यहाँ जगत बन गया वहाँ जगभुत बना बिल्कुल इब्तदाई उसके दोनों की एक ही है ये भी तो बहुत बड़ा था कि दरबार उसका बेटा था बुद्ध तो बारह भी निकाल के राजे का बेटा था ये चीजें जो है ये थी तो ये फिर जंगल में चला गया तो जैसे वहां वो बुद्ध को उस बड़ के दरख्त के नीचे बुद्धि मिली थी ना लाइट लाइट वहां मिलती है ना उसको जो वर्तस्त जो है यानी वर्तस्त के नदी में वो सुनहरी रोशनी का मान घर को सुनहरी रोशनी है ऐसा होती है रोशनी तेज क्या होती है रखने वाला जब उसने फिर अपने आज सत्ता देना की तालीम देनी शुरू किया तो इस मुल्क से उसको निकाल दिया था तो ये बास्तर में चला गया बास्तर जो है जो आजकल पाकिस्तान जो आजकल का है सचिन बास्तर ये वहां चला गया असली किताब तो उसकी भी नहीं कोई मिलती बारह जो बाद में इसकी तरफ मंसूब है उसने यत्न है सब उनकी मुकदस किताब जिसमें इनका जो संस्था मिलता है उसने ये चीज कहा कि अगर सारे सर का मंदा खुदा है हर चीज का मंदा खुदा है सर चश्मा अगर सारे सर दोनों का सर चश्मा खुदा है तो उसकी फिर जाने और रूझियत बाकी नहीं रहती ये उसकी डिफिकल्टी है जब तक है रूहियत उसकी जरूरत ही उसकी जो है वो नहीं रहती यदि अगर उसको मान लिया जाए तो सर का भी सर चश्मा है तो उसकी जरूरत ही बाकी फिर नहीं रहती इसलिए उसने कहा मैं जो तो नहीं मानू अब अगली चीज उसने कही कि इस पर इंकार नहीं हो सकता कि सर मौजूद है सर के वजूद से इंकार नहीं हो सकता खुदा का जो पैदा करगा तो नहीं
کیا جا سکتا ہے اس میں خدا کی حیثیت کیا رکھاتا ہے. دیکھا نا جو گوتم کی قدم آگے بڑا ہوا ہے پھر کیا حل اس کا نکالا جائے. یہ حل نکالا جا سکتا ہے کہ خیر ایک ہستی مان لی جائے اور شر دوسری مستقبل کی ذات مقابل میں ہستی مان. اس نے دو ہستیاں مان لی خدا کو اس سے بچانے کے لیے کہ وہ خالق کو خیر نہ کہیں قرار پا جائے. جو اس نے ایک دوسرے کے سامنے گزار دیا خیر جو ہے وہ ہے اہورا مذہب. اسی کو احمد مخصف ہے اہورا مذہب. یہ مذہب ایک ہے پارسیوں کے اصل میں جو بھی اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے مذہب پارسیوں کے اصل میں مذہب تو پارسی کا لگ رہا ہے کہ پہلی زبان کا ہے ان کے یہاں کا مالکدار. ہاں مالکدار یہ یزدان یہاں سے جو نکلا گیا اس کے یہاں کا یہ جو خدا ہے وہ ہے اصل میں وہ نام ان کے یہاں ہے اہورا مزدہ. مزدہ ایک ہے اور دوسرا اس کے مقابل میں ہے انگرامن یو. پہلی میں اس کو کہتے ہیں اس کو مخفف کر کے اہرمن انگرامن یو. اس قسم کا ہے جس کو سلیکشن اس کا آتا ہے انگرامن یو تو وہ اہرمن ہے. اب یہ اس کے ہاں سے فلسفی ہو گئی کہ شر اور خیر مستقل بزاد دو وجود ہے یہاں اور وہ مستقل بزاد ہمیشہ تک رہے ہیں. لیکن اس سارے کچھ کے بعد منتہائے مقصود سر کو مستقل بزاد ہے اور من بھی کرے یا من بھی کرے دونوں مستقل بزاد دونوں کر رہے ہیں آپ میں کون سے کم اس مسئلے سے تو وہ نکل گیا جی کہ خدا کو منبع اعتبار نہ کرا دیا جائے. لیکن اس کے لیے اس کو حل نہیں کر پایا کہ آخر میں جا کے پھر کیے کیا جائے. وہ آخر تک دونوں کو پتہ چلا رہا یہ ہے جرپستا پر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کہا تھا کہ میں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ یہ خیر و شر کی تعلقات لیے جا رہا ہے اور یہی ہے حقیقت میں. پہلا اسکول آف تھاٹ بک تھا جس کے اندر اس نے یہ خیر والی بات کی تھی حکم کر دی گئی ہے انسان کے خیالات بھی پیدا کرتا ہے کہ اس سر کو بتانے کے لیے یہ ہے کہ سر کے خیال کر دیے جائے وہ مٹ گیا. انسان ایگزٹ کرتا ہے اس اپنے عمل سے بھی اپنے آپ کو نان ایگزٹنگ کر لیتا ہے. تو اس میں یہ جو مطلب تھا کارن کرتا اس پرجیو کو یاد ہے اپنے آپ کو پریڈ یا اطمینان دے لیے یہ آیا یہ چیز پازیٹو دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ غیر بھی ایگزٹ کر رہا ہے غیر بھی ایگزٹ کر رہا ہے. یہ دونوں کا پردشمہ ایک قرار دے دیتا ہوں میں تو وہ خیر کا پردشمہ مانتا ہے میں اس قسم کا خدا نہیں مان سکتا. تو اس قسم کے خدا ماننے سے اچھا یہ ہے کہ خیر کا خدا جو ہے اس کو تھوڑا کیے جائے مقابل میں ایک فرق مسلم گزار کی صحیح اس کو کھڑا کر دیا جائے اس کو بھی کچھ خیر ہوتا ہے. یہ اس نے اپنے ہاں یہ خیر کر کے جس کی جتنی نہیں سن جائے گی اب اسے ہم جو مقصد ہو گیا ہے تو آئندہ لیں گے.